स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर हमें 2% तक ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज से मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में, और उसी के साथ 2-3 और स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें देखने को मिले थे, जिसमें इनके आंकड़े बताए गए थे कि इनका जो इनके डिपोजिटर है, जो इनके कस्टमर है, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलते जा रहे हैं और एक अच्छी खासी रेंज में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। उसके बाद मैंने इस शेयर को बाय करने के लिए बोला था 16 रुपये के आसपास। आज आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर हमें 27 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस हिसाब से ये कंपनी एफर्ट करके बता रही है, जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है, ये आने वाले समय में 100 जाने का पूरा दम रखती है। वैसे AU स्मॉल फाइनेंस की भी बात करें, वो भी इस सेक्टर का लीडर बना हुआ है, स्मॉल फाइनेंस सेक्टर का लीडर बना हुआ है, और उसका भी काम देखें तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इनका भी योगदान एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इनके डिपॉजिटर जो इनके कस्टमर, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि कंपनी के अगर डिपॉजिटर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो कंपनी आने वाले समय में रिवेन्यू जनरेट करके बताएगी और इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और उस नज़रिए से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, तो इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए। और मैंने उस वीडियो में एक और बात बोली, जिस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है, इनके जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में ये शेयर आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलेगी। और आज उसी पर एक नई अपडेट निकल के आई है, जिसमें टाइम को वेस्ट किए बिना सीधा आपको लेकर चलता हूँ उसकी न्यूज़ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.75, जो कि बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस छोटे से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिविडेंड प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर को लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, छोटा सा डिविडेंड है, लेकिन जिस हिसाब से शेयर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी ने इस बार पहली बार डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आने वाले समय में ये डिविडेंड भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा इसी हिसाब से अगर कस्टमर ऐड होते गए तो ये अपडेट आपके लिए लेके आया था। बहुत ही अच्छी अपडेट है। इस शेयर को अगर बाय करने का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, किसी भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर को बाय करने का नज़रिया है, तो इस शेयर पर नज़र बनाए रखिए। ये शेयर आने वाले समय में 100 जाने का दम रखता है, जिस हिसाब से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये शेयर है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, ताकि आप इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न ले पाएं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।